हेलो एवरीवन, मैं पूजा। वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉट में इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ टॉट, डेफिनेशन, एसेंशियल ऑफ टॉट्स। बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारी कुछ प्लेलिस्ट बनाई हुई है। यदि आप जिस नेट लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ यूनिट वाइज वीडियो जो है वो अवेलेबल है। बात करते हैं आज के टॉपिक की। बेसिस ऑफ द टॉट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मीनिंग ऑफ टॉट, कंसेप्ट, डेफिनेशन, एसेंशियल ऑफ टॉट, इन सभी को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे इस चैनल पर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आपने किसी भी अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ना हो तो उस प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। बात करते हैं टॉट जो है वो डिफाइन करता है रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि रेज करता है सिविल रेमेडी और जो कि कंपनसेशन से रिकवर की जाती है। ठीक है, हम देखते हैं कि टॉट जो वर्ड है उसका क्या मतलब है। ट्विस्टेड, जो कि ओरिजिनेट हुआ है लेटिन टर्म टॉटम। बात करते हैं जो टर्म टॉट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जो कि डिराइव किया गया है लेटिन टर्म टॉटम से, जिसका कि क्या मतलब है, विच मीन रॉन्ग और इंजरी। ठीक है, जिसका क्या मतलब है, रॉन्ग और इंजरी। जनरली टॉट क्या है, सिविल रॉन्ग है एंड मींस समथिंग व्हिच इज ट्विस्टेड। जो टॉट है ना वो है सिविल रॉन्ग, जो कि मींस समथिंग, कुछ भी जो कि ट्विस्टेड है। ठीक है, इन लॉ की भाषा में हम समझते हैं टॉट क्या है, जो डिफाइन करता है सिविल रॉन्ग को और रॉन्गफुल एक्ट को। मतलब किसी भी पर्सन ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया, चाहे आइदर इंटेंशनली किया चाहे एक्सीडेंटली किया, और जिसके रिजल्ट से क्या हो गया, दूसरे पर्सन को इंजरी होगी, कोई हार्म हो गया टू अनदर पर्सन, देन उस पर्सन को क्या देनी पड़ेगी, कुछ एक सिविल रेमेडीज फॉर डैमेजेस जो है उसको देनी पड़ेगी, या कोर्ट ग्रांट कर सकते हैं कुछ एक इंजंक्शन। ठीक है, टॉट जो है वो बेसिकली अराइज करता है जब किसी पर्सन की ड्यूटी बनती थी टुवर्ड इज इफेक्टेड, जो भी पर्सन इफेक्टेड हुआ है उसके प्रति ड्यूटी बनती थी और वो पर्सन जो है वो फेल हो गया अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में, जिससे क्या हो गया, दूसरे पर्सन को लॉस हुआ, कोई भी इंजरी हुई। ठीक है, तब हम कहेंगे कि उसने रॉन्गफुल एक्ट जो है वो किया। बात करते हैं एक पर्सन जो कि कमिट करता है कोई टॉट, उसे कहा जाता है टॉट फीजर। एंड यदि किसी एक पर्सन के अलावा दो या तीन ज्यादा, मतलब ज्वाइंट मल्टीपल इंडिविजुअल जो है वो परफॉर्म करते हैं ज्वाइंटली, ठीक है, टॉट, तो हम कहते हैं ज्वाइंट टॉट फीजर, जो हमारी सेक्शन 2 सब क्लॉज एम की जो ऑफ लिमिटेशन एक्ट की डेफिनेशन है, ठीक है, उसमें कहा गया है कि इट इज नॉट जस्ट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, मतलब टॉट क्या है, सारे ही सिविल रॉन्ग है, ठीक है, बट इसके अलावा क्या नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं। ठीक है, बात करते हैं जो हमारी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सालमेंट। सालमेंट कहते हैं टॉट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है जिसकी फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ। ठीक है, जिसकी रेमेडी क्या है, कॉमन लॉ एक्शंस है, और फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती हैं जो पहले से डिसाइडेड नहीं होती है। ठीक है, और विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली, जो कि क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ठीक है, एक क्या है, मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि विनफील्ड की डेफिनेशन में क्या दिया है, जो टॉटस लाइबिलिटी है वो अराइज होती है ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरी, मतलब जहां लॉ के द्वारा जो कि फिक्स्ड की गई थी ड्यूटी, ठीक है, उसकी ब्रीच हुई है, तो वहां पर टॉटस लाइबिलिटी जो है वो बनती है। ठीक है, और जो टू ड्यूटी टुवर्ड अ पर्सन, जनरली अ ब्रीच इज रेड्रेसेबल बाय एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, कि कोई भी ड्यूटी, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के प्रति होती है जनरली, उसका उल्लंघन किया जाए, ब्रीच किया जाए, तो उसको क्या किया जाता है, रेड्रेसेबल किया जाता है, किस तरीके से, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस को देकर। बात करते हैं असेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉट। ठीक है, फर्स्ट असेंशियल क्या है, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। कोई भी पर्सन, जहां पर किसी एक पर्सन की ड्यूटी बनती थी, कुछ लीगल ड्यूटी बनती थी, ठीक है, यदि कोई वो पर्सन अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, ठीक है, और जिस ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो गया, उससे किसी दूसरे पर्सन को लॉस हुआ टू द कमिट, ठीक है, देन हम कहते हैं कि उस पर्सन ने क्या किया है, कमिट किया है रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, और जो रॉन्गफुल एक्ट है इन्वेड करता है कुछ एक फॉलोइंग राइट्स को, जो कि ऑफ द विक्टिम, गुड रेपुटेशन, बॉडली सेफ्टी और लीगल राइट। बात करते हैं, बोला सेकेंड हमारा एसेंशियल एलिमेंट क्या है, लीगल डैमेजेस, डैमेज होना चाहिए।
लीगल डैमेज और एक्चुअल डैमेज में क्या डिफरेंस है? तो हमारे पास दो मैक्सिम है, इंजरिया साइन डैमनो इज, जो कि एक्शनेबल है, बट डैमनम साइन इंजरिया इज नॉट एक्शनेबल. क्योंकि इंजरिया साइन डैमनो का क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट. जब किसी पर्सन के लीगल राइट की इंफ्रिंजमेंट हुई हो तो वो होता है इंजरिया साइन डैमनो. ठीक है, इवन देर इज नो एक्चुअल डैमेज. और इसके अलावा मतलब एक पर्सन का लीगल राइट वायलेट हुआ है, डैमेज हुआ, इंफ्रिंजमेंट हुआ, इंफ्रिंज हुआ है, उसको एक्चुअल में कोई डैमेज जो है वो नहीं हुआ. और डैमनम साइन इंजरिया का क्या मतलब रहता है, डैमेज विदाउट इंजरी. जहां पर डैमेज हुई है किसी पर्सन को, एक्चुअल डैमेज हुई है, लीगल डैमेज कहीं नहीं हुई. ठीक है, वो होता है डैमेज साइन, डैमनम साइन इंजरिया. दो केसेस हमारे पास, एशवी वर्सेस वाइट, जिसमें प्लेंटिफ को प्रिवेंट किया गया था कि उसे राइट टू वोट, मतलब वोट कास्ट करने से जो है वो रोका गया था. ठीक है, देन कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो प्लेंटिफ है वो एंटाइटल है, किस लिए, डैमेजेस के लिए, क्योंकि यहां पर उसको लीगल राइट की वायलेशन उसकी हुई है. ठीक है, यहां पर उसका लीगल राइट जो है वो इंफ्रिंज हुआ है. और इसके अलावा एक केस है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस. ठीक है, यहां पर क्या है कि हुआ क्या था कि एक स्कूल था, दूसरा स्कूल था, मतलब एक स्कूल पहले से चल रहा था, दूसरा स्कूल जो है वो ओपन हो गया, उसी स्कूल के टीचर ने जो किया क्या, दूसरा स्कूल ओपन कर दिया, जिसकी वजह से एक स्कूल को जो पहले का बना हुआ था उसको काफी ज्यादा लॉस हो गया, क्योंकि वहां के बच्चे जो है वो सारे के सारे वहां दूसरे स्कूल में जाने लगे. तब इस स्कूल के प्रिंसिपल ने केस फाइल कर दिया. देन कोर्ट ने कहा प्लेंटिव कुड नॉट गेट कंपनसेशन. ठीक है, मतलब जो प्लेंटिव है ना, मतलब स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो कंपनसेशन क्लेम करने के लिए जो है वो एबल नहीं है, क्योंकि वहां पर उसको जो लीगल राइट कहीं भी उसका वॉयलेट नहीं हुआ, उसको लीगल इंजरी कहीं नहीं हुई है, उसको मॉनेटरी लॉस हुआ है लेकिन उसके लीगल राइट की इंजरी नहीं हुई है. ठीक है, और थर्ड है हमारा लीगल रेमेडी, कि यदि लीगल राइट की वायलेशन हुई है, रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, तो उसको लीगल रेमेडी भी दी जाएगी. ठीक है, बात करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स की. और लॉ ऑफ टॉर्ट की, तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो बिनफील्ड के द्वारा जो है वो इस थ्योरी को प्रपोन्ड किया गया है. मेन सपोर्टर कौन है, बिनफील्ड है. वो कहते हैं कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया जाए किसी पर्सन के अगेंस्ट, देन शेल कम अंडर द टॉट. वो अंडर द टॉट आता है जब तक उसकी क्या हो, लीगल जस्टिफिकेशन ना हो. ठीक है, और इसके अलावा जो सारे ही रॉन्ग है वो टॉटस एक्ट में आते हैं. ठीक है, और यदि वो किसी अदर स्पेसिफाइड लॉ के दायरे में ना आए तो. ठीक है, और इसके अलावा जो लॉ ऑफ टॉट्स है, ठीक है, जो कि सालमंड के द्वारा जो है वो उस थ्योरी को प्रपाउंड किया गया है. और वो कहते हैं देर इज नो लॉ ऑफ टॉट. वो कहते हैं कि कोई भी लॉ ऑफ टॉट नहीं होता, बल्कि लॉ ऑफ टॉट्स होता. इस थ्योरी में उन्होंने पिजन होल थ्योरी भी कही थी, दी थी. ठीक है, इस थ्योरी में, इस थ्योरी को क्या कहा जाता है, पिजन होल थ्योरी भी कहा जाता है. अंडर दिस थ्योरी में बोला है देर इज नो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी नहीं है, बट प्लेंटिव हैज टू प्लेस अ रॉन्गफुल एक्ट इन एनी वन ऑफ पिजन होल्स. ठीक है, जैसे कि हमारे पास टॉट है, जैसे कुछ एक स्पेसिफाइड टॉट है, जैसे डेफामेशन हो गया, ट्रेसपास हो गया. ठीक है, और देन कैन ही क्लेम एनी डैमेजेस. ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं लीगल डैमेज क्या होता है. लीगल डैमेज क्या होता है, लीगल डैमेजेस क्या होता है. लीगल डैमेज होता है जहां पर्सन जो पर्सन को इफेक्ट हो इंजरियसली. ठीक है, डैमेज का क्या मतलब होता है, जहां किसी पर्सन को लॉस हो, हानि कर, एक पर्सन जो है इफेक्ट हुआ है इंजरियसली, उसे जो है वो हानि हुई है, वो होता है डैमेज. और डैमेजेस क्या होती है, डैमेजेस और डैमेज में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे. ठीक है, डैमेजेस और डैमेज में क्या डिफरेंस है, जब आप क्या करते हो, वेल दे मेक लुक सिमिलर, भले ये जो है वो हमें सिमिलर लगती है, लेकिन जो डैमेजेस होती हैं वो रेफर करती हैं कंपनसेशन. मतलब एक पर्सन को लॉस हुआ, ठीक है, तो उसको जो क्लेम दिया जाता है, उसको कंपनसेट दिया जाता है, वो होती है डैमेजेस. ठीक है, और डैमेज क्या होता है, जब किसी पर्सन को एक्चुअल में लॉस हो, इंजरी हो. ठीक है, बात करते हैं सम अदर जनरल एलिमेंट है टॉट के. ठीक है, एक्ट और ओमिशन होना चाहिए. ठीक है, मतलब देयर शुड बी रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए. ठीक है, और
वो कॉन्स्टिट्यूट करता हो किसको, टॉट को, ठीक है, एंड एक्ट और ओमिशन जो है और कमीशन होना चाहिए, मतलब वो एक्ट जो है वो होना चाहिए, उसका कमिट जो है वो होना चाहिए, और वो दे शुड नॉट बी बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, ठीक है, और चाहे वो एक्ट वॉलंटरली किया गया है, चाहे इनवॉलंटरली किया है, चाहे उसके इंटेंशन है, मोटिव है, नेग्लिजेंस से किया गया, रेकलेसनेस, मतलब किसी भी तरीके से, मतलब चाहे उसका मोटिव था या नहीं था, गलती से हो गया, लापरवाही से हो गया, रेकलेसनेस की वजह से हो गया, ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ एलिमेंट है। और मैलिस, मैलिस क्या होती है, कुछ एक दुर्भावना, उस पर्सन की चाहे दुर्भावना थी या नहीं थी, बोले ये एसेंशियल नहीं है, मैलिस इज नॉट एसेंशियल इन ऑल काइंड ऑफ टॉट, इट इज एसेंशियल इन द फॉलोइंग, जैसे कि हमारा कुछ एक हमारे क्या है टॉट है, जहां पर जो है वो मैलिस जरूरी होती है, मैलिस जो है वो नेसेसरी होती है, जैसे कि हो गया हमारे पास डेफामेशन, मैलिसियसली प्रोसिक्यूशन, मतलब जहां किसी पर्सन को गलत तरीके से दुर्भावना से जो है वो उसे फंसाया जाता है, और मैलिसियसली यदि उस पर्सन को डैमेज किया गया उसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है, या और दूसरा है मालफीजेंस, मिसफीजेंस और नॉनफीजेंस। मालफीजेंस का क्या मतलब होता है, मीन कमीशन ऑफ एन अनलॉफुल एक्ट, जब कोई अनलॉफुल एक्ट कमिट किया जाता है, कमीशन किया जाता है किसी एक्ट को, अनलॉफुल एक्ट को किया जाता है, तो वो होता है मालफिजेंस। मिसफिजेंस का क्या मतलब होता है, परफॉर्मिंग अ रॉन्गफुल एक्ट, जब कोई पर्सन जो है वो एक्ट किया जाए, लॉफुल एक्ट किया जाए लेकिन रॉन्ग मैनर में किया जाए, वो होता है मिसफिजेंस। और नॉनफिजेंस का क्या मतलब होता है, मीन, नॉनफिजेंस का क्या मतलब होता है, मीन फेल्यूर टू परफॉर्म एन एक्ट whether there was an obligation to perform, कि एक person जो है वो fail हो गया उस act को perform करने के लिए, जहां पर उसकी क्या होती duty थी perform करने की, ठीक है। बात करते हैं fraud, fraud का बोला है, चाहे वो fraud जो कि fraud which violate the right of a person give rise to tort, मतलब आपने कोई ऐसा tort commit किया जो कि किसी person के legal right को violate करता है, ठीक है, fraud दोष के कारण, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ एक डिफरेंस बिटवीन द लॉ ऑफ टॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन लॉ टॉट ऑफ टॉट एंड क्राइम, ठीक है। बात करते हैं जो टॉट है ना, अ टॉट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ फॉलोइंग मैनर, जो फ्री कंसेंट है, फ्री कंसेंट जो है वो नेसेसरी है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन टॉट यदि कमिट हो जाए वो विदाउट कंसेंट भी हो सकता है, मतलब वहां पर एक पर्सन की चाहे इंटेंशन है या नहीं है, मतलब यदि किसी के साथ रॉन्गफुल एक्ट हो गया है तो अब हो गया है ना, वहां पर लाइबिलिटी जो है वो बनती है। और देर इज नो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी इन टॉट, ठीक है, वहां पर कोई भी जो है वो डॉक्ट्राइन, नो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी है इन कॉन्ट्रैक्ट में, इन टॉट में, ठीक है। और एसेंशियल्स हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट के, यहाँ नो थर्ड पार्टी कैन मेक डिसीजन रिगार्डिंग, यदि दोनों पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वहां पर तीसरी पर्सन के पास कोई राइट नहीं है कि इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट पर्सन, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन है, पार्टीज हैं, उनके बीच में बोलने का और कुछ भी डिसाइड करने का। टॉट क्या है, वॉल्यूशन ऑफ राइट एंड रैम है, मतलब राइट अगेंस्ट अ वर्ड एट लार्ज है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई तो वहां पर अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ अ और अ बॉडी, मतलब एक पर्सन, जिन दोनों पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वही उन्हीं को जो है वो यदि यदि ब्रीच हुई तो उन्हीं का राइट जो है वो इंफ्रिंचमेंट होएगा। लेकिन लॉ ऑफ टॉट में क्या है, वायलेशन होती है यदि, तो राइट एंड रैम होगा, ठीक है। बात करते हैं मोटिव इज ऑफन टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द टॉट बट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जो मेजर्स की जाती है डैमेजेस इन टॉट इज नॉट स्ट्रिक्टली लिमिटेड, यहाँ पर कुछ भी लिमिटेड, मतलब आप टॉट में पहले भी हमने देखा है कि वहां अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती हैं, कि यदि किसी पर्सन को यदि रॉन्गफुल हो गया, रॉन्गफुल एक्ट हो गया, टॉट कमिट हो गया, तो उसको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जो कि लिमिटेड नहीं है, जो कि क्या है, मतलब पहले से डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो डैमेजेस दी जाती है, जो कंपनसेशन दिया जाता है, वो प्री डिटरमाइन होता है, ठीक है, और लिमिटेड होता है, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के द्वारा डिसाइड किया गया होता है। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्राइम। टॉट जो है वो इफेक्ट करता है प्राइवेट राइट को, मतलब किसी एक प्राइवेट राइट ऑफ अ पर्सन को, लेकिन क्राइम जो है वो इफेक्ट करता है होल ऑफ सोसाइटी को। टॉट जो है टॉट में क्या है, कंपनसेशन से उसको रिकवर किया जाता है रॉन्ग डोअर को, मतलब जिस भी पर्सन के साथ रॉन्गफुल एक्ट हो गया उसको कंपनसेशन दे दिया जाता है, उसकी रिकवरी हो जाती है। लेकिन एक पर्सन जब क्राइम कमिट किया गया होता है तो उसको स्टेट के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा जो है वो पनिश किया जाता है।
टॉट में क्या होता है, एक्शन इन ब्रॉट बाय द इंजरी पार्टी, ठीक है, और इन क्राइम प्रोसीडिंग आर कंडक्टेड बाय द स्टेट, ठीक है। अब देखते हैं डैमनम साइन इंजरिया और लीगल रेमेडी, और जो डैमेज है विदाउट इंजरी, ठीक है, देर इज नो इंजरी, यहां पर बोला है डैमेज हुई है विदाउट इंजरी, यहां पर वायलेशन होता है लीगल राइट का, ठीक है, मतलब डैमेज हुई है किसी भी लीगल राइट की, जो है वो वायलेशन हुई है किसी लीगल राइट की, ठीक है, अदरवाइज उसको कोई एक्चुअल डैमेज, एक्चुअल जो है लॉस जो है वो नहीं हुआ। देर इज अ नो लीगल रेमेडी, इसके लिए कुछ भी रेमेडी अवेलेबल नहीं हुए। हमने पहले भी देखा कि यदि किसी पर्सन की लीगल राइट की वायलेशन होती है तब वहां पर रेमेडी अवेलेबल है, अदरवाइज एक्चुअल डैमेजेस के लिए रेमेडी जो है वो अवेलेबल नहीं है। लीगल रेमेडी जो है वो बेस करती है कुछ लीगल मैक्सिम जो कि एसोसिएटेड है विद द, जैसे उबी जस इवी रेमेडियम, जिसका क्या मतलब होता है, यदि जहां पर राइट है वहां पर रेमेडी भी है। इसके अलावा यही तक था हमारा सेशन, ठीक है। ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जो है कवर किया है और हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक लेटेस्ट वीडियो में एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, लेटेस्ट वीडियो जो अपलोडेड की है, 28 वीडियोस में उस प्लेलिस्ट को कवर किया गया है। यदि आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना है तो आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं लीगल स्टडी विद पूजा के नाम से। और जाते जाते दोबारा से फिर से कहूंगी, यदि आपका पेपर टू लॉ है, ठीक है, यूजीसी नेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे लाइबिलिटी क्या क्या बनती है अंडर टॉट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।